आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज। सपा के प्रदेश सचिव राजेश यादव का संडीला आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसे दौरान सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को नम आंखों से याद किया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव में विजयी बनाए जाने पर चर्चा की गई। ईवीएम पर सवाल उठाएगी समाजवादी पार्टी आगे चुनाव में? क्योंकि ईवीएम पर सवाल तो मैंने पिछले महीने चुनाव में भी नहीं उठाया। हाँ, किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग प्रशासन को प्रयोग करते हैं इसका विरोध था, और आपने जीता जाता उदाहरण देख लिया। मैनपुरी चुनाव में हमारे ब्लॉक प्रमुख को अरेस्ट कर लिया गया, और शिवपाल सिंह ने तुरंत ही थाने पहुंचकर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी प्रशासन को, उसको जीप पे बैठा के घर तक छोड़ गए। तो ये डराने का जो ढंग है ये गलत है। हम मशीन पर विश्वास करते हैं लेकिन मशीन का दुरुपयोग भी होता है। मशीन पर विश्वास है लेकिन मशीन के दुरुपयोग बदलने के सिस्टम को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल में है, जो पहले अपनी विधानसभा सरकार भी चला चुकी है, तो इस समय जो इंडिया गठबंधन चल रहा है उसमें क्या भूमिका निभाएगी समाजवादी पार्टी? इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी एक विशेषकर उत्तर प्रदेश में एक बड़े भाई का रोल अदा करती है। अगर कोई भी व्यक्ति नाराज हो जाता है या दुखी हो जाता है तो उसको मनाएगी, सीटों के बंटवारे में थोड़ी लिबर्टी करेगी, थोड़ा सहनशीलता दिखाएगी, क्योंकि ये चुनाव देश के लिए है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है, इसलिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन अवश्य संभावी है और होकर रहेगा। धार्मिक मुद्दे पर लगातार बीजेपी सरकार आपकी पार्टी को घेर रही है, उसको लेकर क्या? अब ये दुकान उनकी चलना बंद हो गई है, क्योंकि धार्मिक मुद्दे कितने दिन ये रखे, हर एक मंदिर हर एक मस्जिद को बार बार बोलकर किसी भी तरीके से भावनाओं को ये कैश कराना चाहते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इनका असली मकसद क्या है और असली रिजल्ट क्या आने वाला है। अब धार्मिक भावनाओं पर बिल्कुल भी नहीं देंगे। राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं और राम हर गरीब के भी हैं, इसलिए राम का मुद्दा कहते कहते अब जनता साफ हो गई है, अब इनके किसी भी मुद्दे को सहायता नहीं। उसके बाद से चुनाव में आने के बाद में क्या महंगाई और बेरोज़गारी कम हुई है? सीधा उत्तर है आपका, पेट्रोल का रेट क्या है, डीजल का रेट क्या है, खाने का रेट क्या है, गैस का रेट क्या है, ये सब तरीके का जनता इतनी इंटेलिजेंट है कि वो हर दिन इसका उत्तर जानती है। एक सिलेंडर के दाम बढ़ाकर चुनाव के दौरान 10-20 रुपया या 100-150 रुपया घटाना जनता ने कितना अच्छा जवाब दे रही है कि आप केवल चुनाव के दौरान ही 100 रुपया घटा रहे हैं और फिर आप एक साथ 300 या 400 बढ़ा देंगे। तो जनता अब इनकी चालाकी को जान गई है। इन्होंने बहुत ही होशियारी से एक मुद्दे को लेकर, जिसको कहा जाता है कि धार्मिक मुद्दा, उसको लेकर जनता को बरगलाने की कोशिश की और जनता के हर वर्ग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन आप मीडिया के थ्रू देख रहे होंगे कि हर वर्ग अब इससे परेशान हो गया है, क्योंकि हर वर्ग की एक ही चीज़ की नीड है कि हमारे बेटे को नौकरी कब, हमारी बेटी को नौकरी कब, हमारे पेट को भूख कब शांत होगी। इस मुद्दों से भड़काने के लिए, हटाने के लिए ये तमाम विभिन्न प्रकार के मुद्दे आपके सामने लाते हैं, जिससे कि जनता भूल कर या भयवश या दुरुपयोग करते हुए इनको वोट देता। लेकिन घोसी के चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि जनता आज पूरी तरीके से इनको नकारने के लिए तैयार है। और एक बात आपको बता दें, पूरे हिंदुस्तान से इनको नकार दिया गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रास्ता अगर आप देखें तो बेंगलोर तक तो ये ख़त्म हो चुके हैं, हिमाचल में ख़त्म हो चुके हैं, अब केवल उत्तर प्रदेश बचा है। और एक तो इन्होंने स्वयं मध्य प्रदेश जबरदस्ती दोबारा लिया है, इसके हटने के बाद ये पैदल हो जाएंगे और पैदल होने के बाद इनकी क्या स्थिति होगी ये देश की जनता। 2019 का लोक